बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स जो है वो लेके आया हूं। जब मैं कह रहा हूं कि इट्स अ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स, इसका मतलब है कि ये कोई एक लेक्चर नहीं होगा, एक पूरा सिलसिला होगा डिफरेंट लेक्चर्स का जो मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए चुना है। और वो सब्जेक्ट है हाउ टू लर्न लैंग्वेज। एंड व्हेन आई से लैंग्वेज, इट मींस इंग्लिश लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कैसे लर्न करनी है हमें। तो इंग्लिश लैंग्वेज को, जो एक बहुत बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट्स का, हर लेवल के स्टूडेंट्स का, लेकिन मेरी ये जो वीडियो है ये एटलीस्ट आप ये कह लें मैट्रिक से लेके मास्टर्स लेवल तक हर स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। यानी एटलीस्ट स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक का जो बच्चा है उसके भी शायद वही मसाइल हैं जो इंटरमीडिएट के बच्चे के हैं, जो बीएस ऑनर्स के बच्चे के हैं, जो बीए बीएससी के बच्चे के हैं, और जो इवन मास्टर्स लेवल के बच्चे के हैं, कि दे डू नॉट नो हाउ टू राइट एंड समटाइम्स स्पीक इंग्लिश। सो ये जो कोर्स है ये एक सीरीज होगी डिफरेंट, यू कैन से एपिसोड्स की, लेक्चर्स की, और बच्चों इंतहाई अहम होगी, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस करके रिक्वेस्ट की। आज का जो हमारा स्टूडेंट है उसको इंग्लिश के बारे में एक खौफ तारी रहता है। हर स्टूडेंट मैट्रिक लेवल से लेके एमए तक इंग्लिश से डरता है। जो इंग्लिश लिख भी रहा है वो भी डरता है। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यू नो लैंग्वेज, यू नो नथिंग अबाउट लैंग्वेज। तो मुझे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए, टीचर्स ने मैसेजेस किए जो मेरे स्टूडेंट्स मास्टर्स करके अब टीचिंग कर रहे हैं, कि सर जो लैंग्वेज है इसको एक्वायर करने के लिए, हासिल करने के कोई ऑथेंटिक एक ऐसा एक कोर्स हमें तैयार करवा दें कि जिससे हम कम अज़ कम लैंग्वेज को सही तरीके से लिख सकें। बोलना फिर उससे अगली आर्ट है। अब देखें लैंग्वेज का छोटे से छोटा जो एलिमेंट है, जो मेरा हमारा टारगेट होगा वो होगा एक वर्ड, और सबसे बड़ा होगा एक एसे। तो हमारा सफ़र शुरू होना है एक वर्ड से। वो वर्ड एक लेटर भी हो सकता है, देखो ना, अ द में अ जो है वो एक अल्फ़ाबेट भी है, एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है, ठीक है। तो एक वर्ड से लेके एक एसे तक एक मैट्रिक का स्टूडेंट है, फ़र्ज़ करें शॉर्ट आंसर्स लिखेगा तो कम से कम दो से तीन जुमले तो लिखेगा, उससे थोड़ा बड़ा कोई चीज़ लिखेगा, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखेगा, पैराग्राफ तो लिखेगा, उससे ऊपर जाएगा फिर एक शॉर्ट स्टोरी तो लिखेगा, उससे ऊपर जाएगा फिर कोई एसे आर्टिकल लिखेगा। और अब जब हम एमए लेवल तक पहुँचते हैं बच्चों, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को एक एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जब आंसर करने होते हैं तो दे हैव टू राइट समटाइम्स मिनिमम 6 पेजेस एंड मैक्सिमम 10 पेजेस। तो लिखना तो इंग्लिश है ना, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो ये बच्चे फेस करते हैं और उनको कैसे ओवरकम करना है। ये आज की जो वीडियो है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, उस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है जो सीरीज़ आज मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसका ये आज फर्स्ट एपिसोड है, या आप कह लें फर्स्ट लेक्चर है। और आज फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, एक स्ट्रक्चर आपको बना दूंगा बच्चों, लेकिन दीज वीडियोज़ दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मेरे 30 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारा उसके अंदर मैं डाल दूंगा, ठीक है। बार बार मैंने आपको ये बात कही कि कोई अकले कुल नहीं हूँ, जितना इल्म मेरे पास है मैं वो ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं इतनी गारंटी दे के कहता हूँ कि इवन एक मैट्रिक का बच्चा भी जब इन वीडियोस को देखेगा
इन लेक्चर्स को सुनेगा या एक एमए लेवल का बच्चा भी सुनेगा तो उसको समझ आएगी। शर्त उसकी ये है कि ही हैज़ टू फॉलो देम, उनको फॉलो करना है प्रॉपरली जिस तरह मैं चाहूँगा कि फॉलो की जाए। अगर आप फ़र्ज़ करें आप इसका लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, आप स्टार्ट ही 3 से करते हैं, तो आप को समझ तो बहुत कुछ आएगी लेकिन वो एक कॉन्टीन्यूटी टूटी होगी, क्योंकि आपको 3 को समझने के लिए 1 और 2 को भी समझना पड़े। सीक्वेंस में ये चलना है। देखो ना, एक होता है पिछली मेरी वीडियोस जो थी वो इंडिविजुअल लेक्चर्स थे, उनमें भी आना पीपीएससी की जो थी वो ए और बी मैंने पार्ट बनाए, लेकिन यहाँ तो हर एपिसोड हर लेक्चर एक इंडिपेंडेंट लेक्चर होगा लेकिन एक कॉन्टीन्यूटी भी होगी, यानी उसकी अपनी भी एक इनफरादी हैसियत होगी, उसमें जो कुछ बताया गया है वो आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। सो बच्चों, इस्तेमाल तक पहुंचने के लिए इल्म, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो इन दो चीज़ों का मिक्सचर है, इल्म नॉलेज एंड यूजेज इस्तेमाल। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमने देखना है कि ये जो मेरी पहली वीडियो है इसमें मैंने 3 चीज़ों को फोकस किया है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, तारुफ करवाया है लैंग्वेज का। नंबर 2 इसका रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और ये आपने बच्चों मेरा लेक्चर जब सुनना है तो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग एट मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, हु आर स्टडिंग इन बीएस कॉलेजेस, यानी जो फ़र्ज़ करें मरे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, उनके फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में ये बहुत काम आएगा। जो बच्चे विमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और फिर पूरे पंजाब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बहुत काम आएगा। जो बच्चे बीए कर रहे हैं, जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं, जो बच्चे मास्टर्स लेवल पे जाते हैं, उनको समझ सब आ रही होती है, दे कांट प्रोड्यूस इट। तो ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन उसकी शर्त है हर लेक्चर को सुनो। ये नहीं कि आपने एक वीडियो देख ली तो आपने कहा कि नो, ये वीडियो फर्स्ट आज की वीडियो तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, आज तो सिर्फ मैं एक तारुफ करवाने लगा हूँ। तो इसको मैंने 3 चीज़ हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है तारुफ इंट्रोडक्शन, दूसरा है रिक्वायरमेंट्स, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती, और आप हैरान होंगे आपके लिए कई चीज़ें बिल्कुल कॉमन होंगी और कई बिल्कुल नहीं होंगी कि अच्छा ये भी रिक्वायर्ड होता है, ये भी रिक्वायर्ड होता है, और कोई मुश्किल नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत आसान करके पढ़ाया, मेरी ज़िंदगी का असूल ये है कि मुश्किल चीज़ को भी आसान करके पढ़ाओ, इंग्लिश को भी साइंस की तरह पढ़ाओ, ताकि बच्चे को ये लगे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। दैट इज़ द मेन, यू कैन से दैट इज़ अ कंपल्सरी थिंग, यानी ये रिक्वायरमेंट है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक। सो दूसरी चीज़ होगी रिक्वायरमेंट्स, और तीसरी चीज़ होगी एक्विजिशन, हाउ टू एक्वायर इट, इसको हासिल कैसे करना। मतलब हमने कहा इल्म और इस्तेमाल का एक कम्बिनेशन है, तो वो इल्म कैसे हासिल करना है और उसका इस्तेमाल कैसे हासिल करना, ठीक। लेकिन बच्चों इसको शुरू करने से पहले, सबसे पहले फिर वही हर वीडियो की तरह, आपको पहले ये तो पता ना जी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं क्यों, हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इंग्लिश लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं, एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नंबर 2 हमारे मुल्क में जब हम अपनी ज़बान नहीं सीखते तो हम जिस ज़बान को सीखते हैं वो इंग्लिश होती है, हमारे लिए इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। एंड नंबर 3, आप दुनिया की किसी भी चीज़ को, कोई आप एक डीप फ्रीज़र जाके ख़रीदते हैं, आप एक मोबाइल ख़रीदते हैं, आप एक किसी भी मुल्क का बना हो, चाइना का बना हो, उसकी बुकलेट लेते हैं तो उसके अंदर आपकी एक्सेस सिर्फ इंग्लिश तक होती है। आप सऊदी अरब की बनी हुई चीज़ लेंगे, अरबी भी नहीं पढ़नी आएगी लेकिन इंग्लिश की समझ आ जाएगी। सो हमारे लिए इंग्लिश जो है वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करना है, क्योंकि हमारी हर जगह इस्तेमाल होगी, इसलिए हमारे लिए उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। हम अपने हर स्कूल में, कॉलेज में, हर लेवल पर, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आप कह लो, प्रेप से लेके, प्ले ग्रुप से लेके, जब तक उसने पढ़ते रहना इंग्लिश ज़रूर आनी। अब देखो ना, जैसे मरे कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ बच्चे बीएस करते हैं,
बीएस जूलॉजी में कर रहे हों, मैथ में कर रहे हों, फिजिक्स में कर रहे हों, केमिस्ट्री में कर रहे हों, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हों, किसी भी सब्जेक्ट में कर रहे हों, इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। एटलीस्ट फर्स्ट 3 semesters में इनको इंग्लिश जो है वो पढ़नी पड़ती है। तो इंग्लिश जो है उस सेंस में अगर हम देखें तो इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज। सो जब ये है इतनी इम्पॉर्टेंट, हर जगह हमारे पास आनी, बीए करना है इंग्लिश पढ़नी है, बीएससी करनी है इंग्लिश पढ़नी, और फिर एमए इंग्लिश करना है तो फिर तो पढ़नी ही इंग्लिश है। तो दैट्स व्हाई यू शुड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। सो व्हेन यू कीप इन, जितनी बार बार आपको कहा था, जितनी किसी चीज़ की अहमियत को आप अपने जहन में रखेंगे उसकी उतनी आप उसकी उतना परसू करेंगे, उतनी जस्तजू करेंगे, उतनी मेहनत करेंगे। ठीक। सो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ जिससे मैं शुरू करूँगा वो है कि सबसे पहले हम ये देखें कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज होती क्या है। और मैंने जिससे पहले कहा, मेरा एक एक वर्ड आपने इन लेक्चर्स का बड़े ध्यान से सुनना है, दो दो दफ़ा सुनना है, रजिस्टर पास रखने हैं, पॉइंट्स नोट करने हैं। जब ये लेक्चर्स आगे चलेंगे मैं एक्सरसाइजेज दिया करूँगा, लिंक में लगाया करूँगा, वो एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस आप, क्योंकि मेरी हर वीक एक वीडियो आएगी, आपने उस वीक के दौरान उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है। जो बच्चे मेरे साथ चलेंगे दे विल ऑल बी सक्सेसफुल, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके लाइक्स बताएंगे, आपके सब्सक्राइब जितना करोगे बताएगा कि आप इसको किस लेवल तक पसंद करें। ठीक। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, और जब मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज दैट डजेंट मीन इंग्लिश। ठीक है, हम तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज जब हम कहते हैं तो पंजाबी भी है, उर्दू भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, फ्रेंच भी है, इटालियन भी है, लेटिन भी है, सारी लैंग्वेजेस है। लैंग्वेज क्या होती है? तो वो कहता है कि लैंग्वेज, अब ये मेरी फिर डेफिनेशन ही है, इंटरनेशनल डेफिनेशन, जो कि अ लैंग्वेज इज अ स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। देखो इसमें जो फ्रेज समझने वाला है, स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज क्या है? कहता है एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेट क्या होता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, और अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो सिस्टम है, स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। सो इसका मतलब लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास स्ट्रक्चर में बनाते हैं, इनका इल्म होना हमारे लिए जरूरी। ही सेज इट्स अ स्ट्रक्चरल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज, पर्टिकुलर ह्यूमन लैंग्वेज। व्हेन वी से पर्टिकुलर, इट मींस वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, वी आर टॉकिंग अबाउट उर्दू, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंच, वी आर टॉकिंग अबाउट जापानीज, वी आर, तो इसका मतलब है हर कौम की के लिए अपनी लैंग्वेज जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती। सो सबसे पहली चीज़ है कि यू शुड नो कि लैंग्वेज क्या है। अगर इसको हम एक ब्रॉडर सेंस में देखें, जनरल सेंस में देखें, तो कहा जाता है कि लैंग्वेज क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इट इज़ अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि इंसान जब कम्युनिकेट करता है ईदर इन स्पोकन फॉर्म और राइटिंग फॉर्म, क्योंकि जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, या आप लिख के कम्युनिकेट करते हैं या आप बोल के कम्युनिकेट करते हैं। तो कहता है इट्स बेसिकली अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, ये जनरल सेंस में कहा जाता है कि व्हाट इज लैंग्वेज, ही सेड इट्स अ मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन इन रिटन फॉर्म और स्पोकन फॉर्म। साबित हो गया कि जो कम्युनिकेशन है वो दो ही तरीके से हो सकती है, या बोलकर या लिखकर कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक, इसका मतलब ये यूसेज है उसका, नॉलेज नहीं है, यूसेज है। ठीक। सो कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स, जिसके अंदर क्या आता है, लफ्जों का इस्तेमाल आता है, यूज ऑफ वर्ड्स इन ए स्ट्रक्चर, और इन ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये जो चीजें हैं, द यूज ऑफ दीज वर्ड्स, इनका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इन तमाम चीजों का इल्म होना हमारे लिए बहुत जरूरी। अब अगला सवाल पैदा होता है कि लैंग्वेज को एक्वायर कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए बच्चों अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, हर इंसान के अंदर,
एक शख्स जो पीएचडी है या एक शख्स जो इंतहाई अनपढ़ है, अल्लाह ने उसके अंदर भी चार स्किल्स डाली और वो नेचुरली चलती है। सबसे पहली स्किल क्या है? दैट इज़ लिसनिंग। एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो सिर्फ पहले सुनता है, अजान दी जाती है उसके कान में, लिसनिंग सबसे बुनियादी स्किल है। जिसे हम कहते हैं ना, आर्ट इज़ इमिटेशन, एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ एन इमिटेटर। बच्चा पहले जो सुनता है, पहली है लिसनिंग, फितरती, चाहे वो पंजाबी बोल रहा है, सुन रहा है, चाहे वो उर्दू सुन रहा है, कुछ भी सुन रहा है, लेकिन बेसिकली वो सुन रहा होता है। तो सुनना, लिसनिंग इज द फर्स्ट बेसिक स्किल। इसके बाद क्या आती है? स्पीकिंग। जो वो सुनता है वो बोलता है। आप बच्चे के सामने कहेंगे माँ माँ, बच्चा देखो ना, बच्चा वही अल्फाज दोहराता है, बोलता है जो वो सुनता है। आप आज तक बताएं, कोई बच्चा मुझे बताए, मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, कोई ऐसा लफ्ज़ आप बोलें जो ना आज तक आपने कभी सुना हो ना कभी पढ़ा हो। नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। या सुना होना चाहिए या पढ़ा होना चाहिए, कहीं से इल्म हासिल होना चाहिए, इल्म मिला हुआ होना चाहिए। जब आपको इल्म मिला हुआ होगा, आप वो इल्म आगे कम्युनिकेट कर देंगे, वो आप इल्म आगे दे देंगे। सो दूसरी स्किल है स्पीकिंग। तीसरी स्किल है रीडिंग। फिर जब बड़ा बच्चा बड़ा होता है, सो बच्चा छोटा सा भी होता है, सुन भी लेता है, बोल भी लेता है, चाहे पंजाबी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं। अंग्रेज़ का बच्चा होगा तो इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश ही सुनेगा, इंग्लिश ही बोलेगा, लेकिन पहले वो सुनेगा फिर वो बोलेगा। पहले बोलेगा नहीं, कभी नहीं हो सकता कि बच्चा सुन ना सके तो बोलना शुरू कर दे, क्योंकि जो उसने सुनना है वही उसने बोलना है। उसके सामने माँ कहती मामा, मामा, क्यों ये लफ्ज़ हो पहले, मामा, पापा, डैडी, ये लफ्ज़ क्यों बच्चा बोलता है? क्योंकि ये लफ्ज़ उसके सामने रोज़ बोले जाते, डेली बोले जाते, और वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, और अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा उसके अंदर बनाया कि वो फिर उसको इमिटेट करता है बच्चा। ये फितरती अमल है बच्चों। तो तीसरे नंबर पे फिर आती है, जब वो बड़ा होता है थोड़ा, स्कूल जाने से पहले माँ उसके लिए कोई छोटी सी कॉपी लेके आती है, किताब लेके आती है, बच्चा रीडिंग करता है, चाहे वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू करे, उसको रीडिंग करवाई जाती है। तो रीडिंग तीसरे नंबर पे आती है, और चौथे नंबर पे आती है आखिरी, फिर वो लिखता है। अब देखो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कॉपीज़ ऐसी मिलती है जिनके ऊपर अल्फ़ाबेट्स डॉट्स की शक्ल में होते हैं, बच्चे उन डॉट्स को फिल कर रहे होते हैं, ए बी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनको चारों को तरतीब से देखा जाए, कुदरत ने जो तरतीब बनाई, पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। लेकिन अब समझने वाली बात यह है, ये जो तरतीब है, ये तरतीब सिर्फ अपनी ज़ाती लैंग्वेज के लिए। जो मैं उर्दू हैं तो मेरी अपनी ज़बान, इसको हम बोलते हैं L1, ये मैं आगे बताऊंगा, जो हमारी कुदरती ज़बान, ये उसका फार्मूला है। जब हम कोई लैंग्वेज हासिल करने लगते हैं तो थोड़ी सी उसमें चेंज आती, जो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। इनमें चार स्किल्स में से दो अल्लाह ताला ने स्किल्स ऐसी दी हैं जिनके मैंने अभी कहा कम्बिनेशन है दो चीज़ों का, नॉलेज और यूजेज। अल्लाह ताला ने दो स्किल्स ऐसी दी हैं कि जिनके ज़रिए हम रिसीव करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, किसके ज़रिए? सुन के, पढ़ के। तीसरा कोई ज़रिया नहीं, सुन के, पढ़ के, या आप लेक्चर सुनते हो या आप किताबें पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो, तो ये ज़रिया है सीखने का, ठीक। चौथे दूसरी है, इनको कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। अगली जो दो हैं उसमें क्या है? स्पीकिंग और राइटिंग। सो लिसनिंग और रीडिंग इल्म हासिल करने का ज़रिया, और स्पीकिंग और राइटिंग इल्म प्रोड्यूस करने का ज़रिया। इसलिए उन दो को हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स। तो रिसेप्टिव स्किल्स क्या हुई? लिसनिंग, रीडिंग। प्रोडक्टिव स्किल्स क्या हुई? स्पीकिंग और राइटिंग। या तो कम्युनिकेशन क्या हुई? अभी आपने पीछे पढ़ा, इट्स ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेट आप सब दो तरीके से कर सकते हैं, या बोल के या लिख के।
वैसे तो इशारों की भी ज़बान होती है, लेकिन बोल के या लिख के आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं कि इन बेसिक लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है, कि इसकी यानी हमने अब ये हासिल करना है तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इसके लिए ये है कि दो चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ टू थिंग्स। वन इज़ यानी लैंग्वेज जिनसे बनती है, वन इज़ वोकैबुलरी यानी नॉलेज ऑफ वर्ड्स। अब कई लोग समझते हैं कि वोकैबुलरी जो है दैट इज़ जस्ट अ नॉलेज ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी इससे बहुत आगे की चीज़ है। इट्स नॉट जस्ट द नॉलेज ऑफ वर्ड्स। मतलब ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में कलम है, पेन। जस्ट टू नो दैट दिस इज अ पेन इज द बेसिक नॉलेज। क्या आपको ये पूछा जाए कि ये क्या है, ये एक पेन है, दैट इज़ अ बेसिक नॉलेज, बट दैट इज़ नॉट इनफ नॉलेज। यानी मैं ये अकेला मेरे हाथ में है तो मैं इसको पेन बोलूँगा, लेकिन जब मैं इसको लिखूँगा तो मैं इसको या अ पेन लिखूँगा या द पेन लिखूँगा। साबित क्या हुआ कि आइडेंटिटी भी पता हो और यूजेज भी पता। अब दुनिया में पेन की मैंने मिसाल इसलिए दी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अल्फाज है वो नाउन है, चीज़ों के नाम है, जगहों के नाम है, लोगों के नाम है, लाखों की तादाद में है। अब वो जो लाखों की तादाद में हैं, उन लाखों को हम जब याद करने लगेंगे तो क्या पॉसिबल है इनका यूजेज, नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर हम उनको कैटेगराइज कर लें, प्रिसाइज कर लें, जो मैं आगे चल के करूँगा, तो उनका इल्म बड़ी आसानी से हासिल हो सकता है। अगर आपको ये पता हो कि ये एक पेन है, ये एक ग्लास है, ये एक राइटिंग पैड है, आपको ये पता हो कि ये डिफरेंट नाउन्स हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें इस कमरे में हैं सब कोई ना कोई नाउन है, आपको ये पता चल जाए कि ये एक नाउन है, तो इसका मतलब है कि अगर नाउन की पहचान हो जाए तो जो लाखों भी होंगे वो नाउन कहलाएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा नाउन है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों के नाम हैं, चीज़ें हैं, जगह हैं, नाउन सबसे ज़्यादा है। जब नाउन सबसे ज़्यादा है, अब मैं कहूँ जी मैंने 500,000 नाउन पढ़ लिए हैं, 500,000 नाउन का कैसे मैं यूजेज करूँगा। और अगर आपको ये पता चल जाए कि नाउन ये जो कॉमन नाउन है, फ़र्ज़ करें कि आपको पेन का पता है कि ये कॉमन नाउन है और इसके फ़र्ज़ करें सिर्फ 5 यूजेज हैं, मिसाल दे रहा हूँ ये 3 यूजेज है या 2 यूजेज है, तो इसका मतलब है ये इसके 5 यूजेज नहीं हैं, वो 500,000 जो कॉमन नाउन है उनके सिर्फ ये 5 ही यूजेज है। साबित हुआ मैं पेन इस्तेमाल करूँगा तब भी वही इस्तेमाल है, मैं पेंसिल इस्तेमाल करूँगा तब भी वही यूजेज है। मैं इसका मतलब है बड़ा टारगेटेड और बड़ा टेक्निकली इन चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। सो सबसे पहला नॉलेज है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी क्या है, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स आप सिलेक्ट करते हैं जुमला बनाने के लिए या कुछ भी लिखना है, अपने लफ्ज़ों को चुनना है, ठीक है, लफ्ज़ आपके माइंड में आने हैं लफ्ज़, तो उन लफ्ज़ों की पहचान, उनकी आइडेंटिटी कि लफ्ज़ हैं क्या, और उनका इस्तेमाल, और वो इस्तेमाल जो फिक्रा बनाने से पहले मुझे आना चाहिए, फिक्रा बनाने से पहले जो इस्तेमाल आएगा उसको हम कहेंगे। सो ये याद रखें, ठीक। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चर। सो दो एलिमेंट हैं, दूसरा है कि फिक्रों, ये तो पहले हो गया, मुझे पता चल गया ये पेन है, ये हो गया वोकैबुलरी। अब इसको फिक्रे में किस जगह लगाना है और किस जगह नहीं लगाना, कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। शुरू में लगाना है तो इसका रोल क्या है, दरमियान में लगाना है तो इसका रोल क्या है, आखिर में लगाना है तो इसका रोल क्या है, ये हो गया स्ट्रक्चर। सो इसका मतलब है ये दो नॉलेज, नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी एंड नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर, जो मैं आगे जाके डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या है, ये दो चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगी, इसका मतलब है आपके पास अल्फाज का ज़खीरा होना चाहिए, सिर्फ काफ़ी नहीं, उनका इल्म होना चाहिए, ये हैं क्या, इनकी आइडेंटिटी क्या है, इनकी पहचान क्या है, और ये फिक्रे में
किस जगह पर किस अंदाज में कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, यही हमारे लेक्चर्स होने, यही मैंने आपको सिखाना। ठीक, अब इसके लिए जो अगली चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि लैंग्वेज की शक्लें कितनी हैं। लैंग्वेज की तीन शक्लें हैं, स्पेशली जब हम पाकिस्तान के एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में इसकी तीन शक्लें हैं, L1, L2, L3। L1 किसको बोलते हैं? L1 होती है हमारी रीजनल लैंग्वेज, इलाकाई ज़बान। मैं पंजाब का हूँ तो मैं जो भी ज़बान सबसे पहले बोलता हूँ घर में, मैं क्या बोलता हूँ? मैं पंजाबी बोलता हूँ। आप भी पंजाबी बोलते होंगे, कोई सिंधी बोलता होगा, कोई बलोची बोलता होगा, कोई क्या नाम है, पश्तो बोलता होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पश्तो बोल रहा है वो पश्तो, उसकी L1 है। जो बलोची बोल रहा है उसकी बलोची L1 है। हर एक की L1 वो लैंग्वेज है जो वो घर से सबसे पहले सुनता है और सबसे पहले बोलता है। दैट इज़ L1, दैट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज़ है L2। L2 क्या होती है? L2, और ये ज़्यादातर मैं जब कह रहा हूँ, जब हम बोल चाल कर रहे हैं, आम जिंदगी में जब वक्त गुजार रहे हैं, तो हम यहाँ तो सबसे पहले, मतलब मैं आम जिंदगी में बोल रहा हूँ, घर में बातें कर रहा हूँ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं यहाँ पंजाबी बोलूँगा, नंबर एक। जब पंजाबी नहीं बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? फिर उर्दू बोलूँगा। तो उर्दू इज़ माई L2, सेकेंड लैंग्वेज। और जब ये दो नहीं बोलूँगा तो फिर मैं तीसरी लैंग्वेज बोलूँगा या लिखूँगा, वो होगी इंग्लिश। सो इंग्लिश बोलने के अंदाज में, इंग्लिश जो है वो बेसिकली एक L3 बन जाती है, यानी L1, L2, L3। तो बोलने के अंदाज में इट इज़ L3, याद रखो। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं, जब हम इसको फॉर्म यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब पंजाब में हम तलीम हासिल कर रहे हैं, तो हम जब तलीम हासिल कर रहे हैं तो हमें जो पहली लैंग्वेज जो हमारी होगी वो L1 जो है, तब हमारी उर्दू हो जाएगी। L1 क्या हो जाएगी? उर्दू। और तब इंग्लिश हमारी क्या होगी? वो L2 बन जाएगी। तो L1 और L2, इन दोनों का डिफरेंस पता होना इंतहाई ज़रूरी। सो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो L1 होगी, दैट इज़ उर्दू। और जो हम एक्वायर कर रहे हैं, द लैंग्वेज दैट वी आर गोइंग टू एक्वायर, जो आप जिसके लिए मैं आपको ये लेक्चर्स दे रहा हूँ, वो होगी हमारी इंग्लिश। सो इंग्लिश जब हम, अब जो कुछ हम पढ़ेंगे आज के बाद, चूँकि मैं लेक्चर उर्दू में दे रहा हूँ, हम जो कुछ भी बातें करेंगे उर्दू में करेंगे। तो हमारी L1 क्या हुई? उर्दू। और हमारी L2 क्या हुई? वो हमारी हुई इंग्लिश। ठीक है, ये हो गया ये वाला पॉइंट। ठीक, तो बच्चों इस ये जो फ़र्क है L1 और L2 का, ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसको हम निगेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर शख्स जो लैंग्वेज सीख रहा है, चाहते हुए ना चाहते हुए, वो उर्दू में सोचता है। हमारी L1 क्या है? उर्दू। अब हम चूंकि लर्निंग में आ गए हैं, मैंने कहा लर्निंग में दो L1, L2, और इंग्लिश हमारी एक्वायर्ड लैंग्वेज जो हम हासिल करें। तो हमने लिखनी इंग्लिश है लेकिन सोचनी उर्दू में। आपने एक जुमला बनाना है, उर्दू में सोचना है, इंग्लिश में लिखना है। तो इसका मतलब है कि ये फ़र्क को हम अगर कहें कि जी इसमें से हम इसको निकाल दें, निगेट कर दें L1 को फॉर L2, पॉसिबल नहीं। हाँ, पॉसिबल है अगर आप फ्रॉम द वेरी बिगनिंग्स घर से ही बच्चे को इंग्लिश को एज L1 शुरू कर दें पढ़ाना, फिर पॉसिबल। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आ जाते हैं अगली चीज़ के जो एलिमेंट्स हैं। सो साबित हुआ दो चीज़ें बार बार चल रही हैं, एक वोकैबलरी, एक स्ट्रक्चर। वोकैबलरी के एलिमेंट्स क्या हैं? देखो, अभी मैंने कहा दुनिया में वोकैबलरी जब हम कहते हैं तो लाखों अल्फाज, डिक्शनरियाँ भरी हुई हैं, इंसाइक्लोपीडियाज भरे हुए हैं, किताबों के अंबार हैं। अपने इर्द गिर्द आप देखें, लाखों चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई, सब की सब चीज़ें क्या हैं? इनकी पहचान ये है कि
कि ये एक फैमिली को बिलोंग करती हैं और उस फैमिली का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल कितने हैं? कुछ किताबों के मुताबिक 8 हैं, इंग्लिश बुक्स के मुताबिक, और कुछ किताबें 9 भी कहती हैं। ठीक है, 8, 9th वो है जो जिसको वो यानी आर्टिकल जिसको कुछ किताबें पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा समझती हैं कि ये उनका फैमिली का हिस्सा है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच समझे एक फैमिली का नाम है। उस फैमिली में क्या क्या एलिमेंट हैं? उसमें नाउन है 1, प्रोनाउन 2, एडजेक्टिव 3, एडवर्ब 4, वर्ब 5, कंजंक्शन 6, इंटरजेक्शन 7, प्रेपोजिशन 8। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। 9th है आर्टिकल। अब आर्टिकल को कुछ बुक्स पार्ट ऑफ स्पीच ही समझती हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि नहीं, ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ये किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। आगे मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सो इसको वो पार्ट ऑफ स्पीच में शामिल नहीं करते, लेकिन आप एक रफ नॉलेज के लिए, एक जनरल नॉलेज के लिए आप ज़हन में रखो कि ये 9 पार्ट ऑफ स्पीच है। अगरचे मैंने बता दिया 8 पार्ट ऑफ स्पीच और एक डिटर्मिनर है आर्टिकल, लेकिन हम उसको शामिल कर लेते हैं, मैं शामिल कर लेता हूँ पढ़ाने के लिए, समझने के लिए कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब साबित हुआ कि दुनिया का कोई फिक्रा भी जो हम लिखेंगे, दुनिया का कोई किताब जो इंग्लिश में लिखी जाएगी, कोई फिक्रा जो इंग्लिश में लिखा जाएगा, कोई आर्टिकल जो इंग्लिश में लिखा जाएगा, कोई एसे जो इंग्लिश में लिखा जाएगा, कुछ भी जो इंग्लिश में लिखा जाएगा, अरबों खरबों जुमले लिखे जा चुके हैं इंग्लिश में, सब के अंदर ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये 9 एलिमेंट्स हैं, इनको कह लो एलिमेंट्स ऑफ वोकैबुलरी। साबित क्या हुआ कि कोई भी, मतलब आई गो टू स्कूल, बच्चों वाला फिक्रा, आई गो टू स्कूल, आई क्या है? एक प्रोनाउन। गो क्या है? एक वर्ब। टू क्या है? एक प्रेपोजिशन। स्कूल क्या है? एक नाउन। 4 लफ्जों से मिलकर एक जुमला बना जिसमें 4 फैमिलीज ने हिस्सा डाला, 4 एलिमेंट्स ने, सॉरी फैमिली एक ही है, 4 एलिमेंट्स ने हिस्सा डाला, लेकिन चारों एलिमेंट एक ही फैमिली के थे, यानी एक ही खानदान के 9 लोग हैं, घूम फिर के उन्होंने ही आना है। अब आपको ये मैं कहूँ कि आप 10 लाख लफ्ज, 10 लाख चीज़ें याद करें तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मगर आपको ये कहूँ कि इन 9 एलिमेंट्स की नंबर 1 पहचान, नंबर 2 इनका इस्तेमाल, और इस्तेमाल जब कहते हैं तो उसका मतलब जुमले में इस्तेमाल। अगर आपको ये आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको वोकैबुलरी आपकी आ गई। यानी जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी आपको पेन की, कि दुनिया में हर कॉमन नाउन का अगर आपको पता है कि ये लफ्ज़ जो है ये कॉमन नाउन है, या ये लफ्ज़ जो है ये प्रॉपर नाउन है, या ये लफ्ज़ जो है फलाना वर्ब है, या ये लफ्ज़ फलाना प्रेपोजिशन है, इसकी पहचान है, तो आधा काम हो गया आपका। अच्छा जी, ये तो पता चल गया। अब ये पेन है, मैं इसको फिक्रे में इस्तेमाल करने लगा। मैंने पेन ख़रीदा, आई बॉट अ पेन। अब मैंने बोला मैंने पेन ख़रीदा, उर्दू में मैंने 3 लफ्ज़ बोले हैं, मैंने पेन ख़रीदा, इंग्लिश में मैंने लिखा है आई बॉट अ पेन, 4 लफ्ज़ लिखे हैं। अब मैंने ये अ क्यों लगाया? अब इस मुख्तलिफ सवाल जवाब आएंगे। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को क्लास में मास्टर्स लेवल पे कई दफ़ा आम सा फिक्रा बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बताओ इसकी इंग्लिश क्या है, क्योंकि नेचुरली L1 L2 एक इनका अज़ल का रिश्ता है, कभी ख़त्म नहीं हो सकता। यू हैव टू थिंक इन L1 एंड यू हैव टू स्पीक और राइट इन L2। और वो जो कन्वर्जन है, फोटोस्टेट मशीन है आपके दिमाग में जो उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करती है, उसने अपना काम करते जाना है, करते जाना। सो वो जो नॉलेज है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये पेन, अब देखो ना, ये पेन के साथ ए लगाना स्ट्रक्चर का यूजेज नहीं है बच्चों, ये वोकैबुलरी का यूजेज है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज है,
यानी पार्ट ऑफ स्पीच का यूजेज है कि इस नाउन को इस सूरत में इसके साथ ए लगाना है, और इस सूरत में इसके साथ द लगाना है, और इस सूरत में इसके साथ कुछ नहीं लगाना। तो ये कुछ नहीं लगाना, कुछ लगाना है, और वो कुछ या इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना है या डेफिनेट आर्टिकल लगाना है, इसलिए इसको डिटर्मिनर कहा जाता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन लगता है अब इसका इलम फिक्रा बनते वक्त लगाने से पहले होना चाहिए, लगाने के बाद नहीं। ना इसका किसी टेंस से कोई ताल्लुक है, किसी चीज़ से कोई ताल्लुक है। हमारे मुझे याद है अभी भी जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया था 90s में, तो मैंने ये चीज़ देखी थी, बच्चों कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। जिस स्कूल में जाएं, जिस कॉलेज में जाएं, जिस जगह पे जाएं, जाते ही उसको बच्चा कहना मैंने इंग्लिश पढ़नी है, कहेंगे ठीक है कल से हम टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट शुरू होगा। बच्चा अगले दिन आता है उसको पढ़ाया जाता है ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है आ जाए तो। अब बच्चा बेचारा ता है, ती है, ते है में रह जाता है, एंड ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट लैंग्वेज। भाई टेंस बिल्कुल अलग चीज़ है, ये बेस है, बेसिक लैंग्वेज पहले ये आनी चाहिए। टेंस मैंने भी पढ़ाने आपको, वो यूजेज है। अगर मैं एक लफ्ज में आपको बताऊं और ये हिफज कर लें, आपको को पूछे टेंस क्या है, आपको जस्ट यूज ऑफ वन एलिमेंट इन इंग्लिश एंड दैट इज वर्ब। इंग्लिश में वर्ब के इस्तेमाल को टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब क्या है? टाइम। टेंस में क्या, जब टेंस बदलता है तो मुझे बताएं क्या बदलता है। आप सारे पढ़े लिखे हैं जो सुन रहे हैं, क्या बदलता है जब टेंस बदलता है? वक्त बदल, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, अब क्या बदला? वक्त बदला, टेंस बदला। आपने कहा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट और से पास्ट जब हुआ तो क्या बदला? सिर्फ वर्ब बदला, ना मैं बदला, ना खेलना बदला, वर्ब बदला, वर्ब की फॉर्म बदली, वर्ब की शक्ल बदली। याद रखें टेंस इज नॉट इंग्लिश, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, और टेंस सिर्फ एक एलिमेंट के इस्तेमाल का नाम है जिसका नाम है वर्ब, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इट्स जस्ट वन एलिमेंट, याद रखें, बाकी 8 एलिमेंट्स इज द होल इंग्लिश। सो याद रखें इंग्लिश 9 एलिमेंट से मिलकर बनी, एक फैमिली है पूरी, 9 भाइयों की फैमिली, 9 ब्रदर्स, 9 एंजल्स ऑफ इंग्लिश, और ये 9 के 9 ने फिक्रा। आप कोई फिक्रा बोले, कोई ऐसा फिक्रा नहीं होगा जो इनके बगैर होगा। हाँ, फिक्रे में और जो चीज़ ऐड होगी वो होगी पंक्चुएशन मार्क्स, बट दैट इज नॉट लैंग्वेज, बट दे आर ए पार्ट ऑफ लैंग्वेज। वो फिर कभी किसी लेक्चर में बताऊंगा उनका यूजेज। पंक्चुएशन भी पार्ट ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन इट इज डिफरेंट। पंक्चुएशन से मीनिंग बदल जाता है, लेकिन वो आगे बाद में बताऊंगा। ठीक, सो सबसे पहली चीज़ है वोकैबलरी का इल्म। तो वोकैबलरी का इल्म, आपको कोई पूछे कि वोकैबलरी कैसे आनी है, आपने कहना है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नॉलेज को आना वोकैबलरी आना है। कि मुझे अगर 9 पार्ट, मुझे अगर ये पता है नाउन क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है, वर्ब क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है, आर्टिकल क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है, हमें पहचान का पता है। मैं किसी बच्चे को पूछूं ये क्या कहेगा, पेन है, मैं पूछूं ये क्या है कहेगा, ग्लास है, मैं कहूं इसको फिक्रे में लगाओ, नहीं लगाना आता। और अगर लगाना आता है, मैं कई दफ़ा बच्चों को फिक्रा पूछता हूं ना, बच्चे फिक्रा बनाते हैं, मैं उनको पूछूं अच्छा मुझे बताओ, मतलब मैं कहूं किताब मेज़ पर है, तो वो कहेंगे अ बुक इज़ ऑन द टेबल, फ़र्ज़ करें। अब मैं उनको अगर आगे से ये मैं कहूं बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, दे मैं कहूँ अच्छा बताओ बुक के साथ ए क्यों लगा है, टेबल के साथ द क्यों लगा है, दे कांट आंसर। और फिर मास्टर्स लेवल पे पढ़ के बच्चे एम ए इंग्लिश करके जब टीचर्स ये सुन लें, ये मेरे लेक्चर्स टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जो फ्रेश टीचर्स हैं, क्योंकि फ्रेश टीचर्स को खुद पढ़ने का शौक ही नहीं, वो समझते हैं मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स इज नॉट द एंड, इट्स द बिगनिंग ऑफ समथिंग, इट्स द बिगनिंग। मुझे एक दफ़ा एक इंटरव्यू में ये पूछा गया था, ये मैं को बढ़ाई नहीं कर रहा, जनरल बात आपको एक बताने लगा हूँ, नॉलेज की बात तक पूछा गया कि आपने एमए इंग्लिश किया हुआ है, वेयर डू यू स्टैंड। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा सर मेरे नज़दीक एमए इंग्लिश करने का मतलब है मुझे लाइसेंस मिल गया, जैसा ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है ना,
ड्राइविंग लाइसेंस मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप माहिर हैं गाड़ी में, इसका मतलब होता है आप इस काबिल हैं कि गाड़ी चला लें। माहिर तो बंदा वक्त के साथ साथ होता है। MA इंग्लिश की डिग्री बच्चों मिलने का मतलब है, मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने MA इंग्लिश कर ली और वो अब टीचिंग कर रहे हैं, कि MA इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि आप मास्टर्स हो गए हैं। मास्टर का वैसे मतलब होता है बच्चा, मास्टर चाइल्ड, मास्टर करेक्टर जो ड्रामों में होता है बच्चे को कहा जाता है। तो वेन यू आर मास्टर इट मीन्स यू आर चाइल्ड ऑफ दैट लैंग्वेज। तो मुझे उन्होंने पूछा तो मैंने उनको कहा कि जी मेरे नज़दीक MA इंग्लिश का मतलब आई फील आई स्टैंड वेयर आई स्टैंड नो वेयर। मेरा मुझे सिर्फ एक लाइसेंस मिला है कि तुम इस काबिल हो कि तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश सीख सकते हो, जाओ आज से इंग्लिश सीखो। ये तुम्हें डिग्री दी है, ये लाइसेंस दी है। सो बच्चों याद रखो, टीचर्स याद रखो, जो मास्टर्स की डिग्री है ये वो लाइसेंस है जो आपको दिया गया कि जाके आप इंग्लिश सीखो। सो यू शुड नो लैंग्वेज, दैट्स व्हाई आई से यू नो इंग्लिश, यू नो नथिंग अबाउट इंग्लिश। मास्टर्स में फर्स्ट डिवीजन ली होगी, गोल्ड मेडल लिया होगा, लेकिन एक जुमला बनाएं तो उनको जुमले को अगर आप बता नहीं समझा नहीं सकते। मुझे कई बच्चे हैं, मैंने आगे भी लेक्चर में कहा था, मैसेजेस करके पूछते हैं सर ये फलाना फिक्रा है इसमें बता दें करेक्ट क्या है, इसमें फलानी चीज़ कैसे इस्तेमाल होगी, इसका पैसिव कैसे होगा इसका। मैं नहीं बताता, मैं कहता हूँ आप करें, मैं आपको दुरुस्त करूँगा, आप करके मुझे बताएं आपको क्या आता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों मैं बता दूंगा सीखा क्या उसने, अगर मैं बता दूंगा इसमें इसे ये लगना ये लगना है तो उसको क्या समझ आए क्यों लगना है। सो इस क्यों का जवाब आपने ढूंढना है, क्या लगाना है, कैसे लगाने, क्यों लगाने, ये तीन सवाल फिर सुन लें। क्या लगाने हैं अल्फाज, कैसे लगाने हैं स्ट्रक्चर, क्यों लगाने हैं नॉलेज इल्म, ये वजह है जी लगाने। जब आपके पास ये तीन सवालों के जवाब होंगे आपको इंग्लिश आती। और हमारा टॉपिक क्या है, हाउ टू लर्न इंग्लिश, तो इंग्लिश तब आनी ठीक। इसलिए आज का मेरा लेक्चर जो है सिर्फ तारुफ है आपको, सिर्फ मैं एक तारुफ करवा रहा हूँ कि ये तो वोकैबलरी के एलिमेंट्स कितने हुए, वोकैबलरी के एलिमेंट्स हुए 9, जिनमें 8 को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, 1 को हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, कुछ उसको भी पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मैंने कहा था आप इजी करने के लिए उसको भी पार्ट ऑफ स्पीच ही समझे, अलग मत समझे ठीक। उसके बाद आ गया एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ है कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। बच्चों याद रखो स्ट्रक्चर के भी एलिमेंट्स होते हैं। देखो ना ये एक पेन है, कहाँ लगाना है मैंने इसको फिक्रे में, ये पेन है नाउन है, ये एक पहचान हो गई, फिक्रे में कहाँ लगाना है ये तो इसने नहीं बताना, ये स्ट्रक्चर ने बताना। सो वोकैबलरी ये नहीं बताती कि मुझे कहाँ लगाना है, वोकैबलरी ये बताती है मुझे कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है किसने बताना है, स्ट्रक्चर में। अब स्ट्रक्चर के जनरल एलिमेंट्स, जनरल का मतलब होता है हर फिक्रे के लिए, जनरल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो 3 बच्चों इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको अगले लेक्चर्स में मैं डिटेल से विद एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। अभी मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये मत समझना कि सर ने बातें बताई हैं इनका इस्तेमाल, आगे बेशुमार लेक्चर्स आने, सीरीज है, इट्स अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ठीक। नंबर 1 सब्जेक्ट, जो इसका जिसको हम आम तौर पे कहते हैं जो काम कर रहा है, फाइल, हालांकि ज़रूरी नहीं होता वो काम ही कर रहा हूँ लेकिन चलें आसान समझने के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब यानी जो काम है एक्शन, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जा रहा है, ये 3 कहलाते हैं मेन एलिमेंट्स। तो मेन एलिमेंट्स बच्चों कितने हुए, 3, फिर सुन लें, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, हालांकि हमेशा काम नहीं करता, आगे चल के बताता हूँ, वर्ब काम एक्शन, ये आसान जबान में कुछ चीज़ें होती हैं जो आसान जबान में समझाने के लिए बतानी पड़ती हैं, और 3 इज ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया, जिसको आप बोलते हैं फाइल और मफूल। हालांकि इंग्लिश जबान में इनका मैं अभी आगे चल के बताऊंगा डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो मैं बाद में बताता हूँ। 3 इसके मेन एलिमेंट्स, मेन एलिमेंट्स के अलावा क्या फिक्रा इन 3 पर डिपेंड करता है। अब मैंने अगर फिक्रा बोला आई प्ले क्रिकेट तो मैंने इसे 3 एलिमेंट इस्तेमाल किए, आई सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, दैट्स ऑल। लेकिन आई प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स, फिक्रा लंबा हो गया, अब क्या गलत है ये भी ठीक है। अब आई प्ले क्रिकेट ये तो 3 पूरे हो गए, ये क्या आगे,
इसको कहते हैं एक्सटेंशन या एडिशन. दीज आर एडिशनल एलिमेंट्स या एक्सटेंशन. ये वो एलिमेंट्स हैं. जब मैंने आपको कहा ना, मैं शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो मैं एक फार्मूला बनाता था, मैं साइंस की तरह बच्चों को पढ़ाता था, आपको भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा. और मैं इतना खुश हुआ, मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मेरे से बीए भी मुझसे पढ़ा, मास्टर्स भी मुझसे किया. वो स्टूडेंट जो है वो भी लेक्चर्स अपने वीडियोज़ बनाता है, तो उसने अपनी वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था, तो यही फार्मूला जो मैंने पढ़ाया हुआ था वो उधर बता रहा था. तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि देखो मैंने एक चीज़ इनको, इसी को सदका जारिया कहते हैं, कि वो बता रहा था. अब ये डिफरेंट होते हैं, जिनमें इनमें बेसिक क्या है, प्लेस पी, मैनर एम, रीज़न आर, टाइम टी, ये चार, और एक होता है एम पी एज, मिड पोजिशन एडवर्ब्स. अब ये पांच हैं, ये एक्सटेंशन है. और मैं इनको शॉर्टकट करके जब बोलता होता था, जब पढ़ाता होता था, तो मैं कहता था पी एम आर टी, प्लेस मैनर रीजन टाइम. और ये मैंने बड़ी तहकीक के बाद, देखो इंग्लिश लैंग्वेज की एक बात याद रखे सारे, इंग्लिश लैंग्वेज में, उर्दू जबान बड़ी आसान है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम ये है कि वेयर देर आर रूल्स देर आर एक्सेप्शंस. एक रूल होता है साथ ही एक्सेप्शन आ जाता है. लेकिन हमें एक्सेप्शन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना. यानी एक्सेप्शंस को हम सर पे सवार नहीं करना, याद करना है. लेकिन एक कानून जो है, अगर फर्ज करें 95% फिक्रे एक कानून के तहत बन जाते हैं, 5% नहीं बनते. एक फार्मूले से अगर 95 बन जाते हैं, तो ये फार्मूला तो फिर फ़ायदेमंद हुआ ना. आप कहेंगे भैया तो बड़ा फ़ायदेमंद है, 95 तो हो गए, चलो 5 तो हम याद भी कर लेंगे. एग्जैक्टली. सो याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर जब बनता है तो पहले आता है एस यानी सब्जेक्ट, वी यानी वर्ब, कैसे आता है अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, ऑब्जेक्ट ओ, और उसके बाद एक्सटेंशंस यानी पी एम आर टी, पी एम आर टी, प्लेस मैनर रीजन टाइम, और उसके अलावा एम पी एस, मिड पोजिशन एडवर्ब्स. अगले लगे सब अगले लेक्चर की बातें हैं. अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल से आपको इनके बारे में, बारीकी से विद एग्जांपल्स आपको इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन इनका पता होना बहुत ज़रूरी. अब ये बन गए कितने एलिमेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 3, प्लेस मैनर रीजन टाइम और एम पी एस 5, 3 और 5 8, तो साबित हुआ कि 8. अब इसमें एक्सेप्शन होकर कोई 9वां भी आ सकता है, वो एक्सेप्शन होगा, लेकिन 8 एलिमेंट्स. ये 8 एलिमेंट्स हैं स्ट्रक्चर का यूजेज, वो 9 एलिमेंट्स थे वोकैबुलरी का यूजेज. सो 9 एलिमेंट्स वोकैबुलरी के, 8 एलिमेंट्स स्ट्रक्चर के. अब अगर आपको इन एलिमेंट्स का पता हो तो आपको ये पता होगा फिक्रा कैसे बनाना है, और ये कोई मुश्किल नहीं है. जब मैं अगले लेक्चर्स में जाके इनको वन, मैं इनके ऊपर एक एक के ऊपर एक एक लेक्चर दूंगा, आपको खुद समझ आएगी कि इनको कैसे करना है, विद एग्जांपल्स दूंगा, एक एक मिसालें, डेढ़ डेढ़ मिसालें आपको दूंगा, ताकि आपको समझ आए, फिर एक्सरसाइजेज आपको दूंगा. सो याद रखें इन एलिमेंट्स को आपने याद. अब ये जो एलिमेंट्स हैं, जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, ये 3 शक्लों में आ सकते हैं. यानी हर एलिमेंट 3 शक्लों में आ सकता है, हर एलिमेंट 3 शक्लों में आ सकता है. नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 फ्रेज, नंबर 3 क्लॉज. फिर सुन ले, नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 फ्रेज, नंबर 3 क्लॉज. ठीक. अब वर्ड तो वर्ड होता है, यानी पेन इज अ वर्ड, ठीक है. माई पेन इज ए फ्रेज. सो वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, चले आम जुबान में आगे अगले लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन एक छोटे से आइडिया के लिए आपको दे रहा हूं कि फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कम अज कम 2 अल्फाज का मजमुआ, जिसकी अपने कोई मायने ना हो. उसके अपने क्यों मायने नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर वर्ब नहीं होता, उसके अपने मायने नहीं होते. मतलब माई पेन, अकेला माई पेन दीवार पे लिखा हो तो इसका क्या मीनिंग है, ठीक है. हाँ, क्लॉज वो होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
सोहबत क्या हुआ, वर्ड वो होता है जो ग्रुप नहीं होता, अकेला होता है। तो ये आठ एलिमेंट्स, इसलिए तो आप देखो ना, कोई फिक्रा जो है आपका छोटा सा होता है, कोई फिक्रा आपका इतना लंबा होता है, कोई फिक्रा आपका तीन लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, आई प्ले क्रिकेट तीन लफ्ज़ हैं, और एक फिक्रा हम बोलेंगे तो वो फिक्रा 40 लफ्ज़ों का भी हो जाएगा। अब वो 40 का कैसे हो गया, सन नसीर ने तो अभी कहा कि आठ एलिमेंट्स है तो आठ लफ्ज़ों का होना चाहिए। इसी वजह से हुआ कि वो या लफ्ज़ था या फ्रेज था या क्लॉज था। अगले लेक्चर में बताऊँगा, इनकी एग्जाम्पल से समझाऊँगा कि ये क्या है। वैसे बता दिया आपको कि वर्ड वर्ड होता है, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका अपना कोई मीनिंग नहीं होता क्योंकि जनरल में कोई वर्ब नहीं होता, और क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी ग्रुप जब कहते हैं तो कम से कम दो अल्फाज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर वर्ब होता है, थोड़ा बहुत मीनिंग होता है, मुकम्मल मीनिंग इसका भी नहीं होता, लेकिन कंपैरेटिवली बेटर देन अ वर्ब, बेटर देन अ फ्रेज, फ्रेज से ज़्यादा मीनिंग होता है इसका। हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक क्लॉज। तो क्लॉज जो है उसमें वर्ब होना कंपल्सरी है, तब जाके मीनिंग बनेगा, ठीक है। मसलन मैं कहूँगा ना, आई बॉट अ चेन, आई बॉट अ चेन, मैंने एक चेन खरीदी गले में पहनने वाली, आई बॉट अ चेन। तो आई क्या हुआ सब्जेक्ट, बॉट क्या हुआ वर्ब, क्या खरीदा चेन। ये मैंने कहा ना अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा कैसे इनको ढूंढते हैं, ठीक है। मेड ऑफ गोल्ड, अब जब मैंने कहा मेड ऑफ गोल्ड तो ये बन गया क्लॉज क्योंकि इसमें वर्ब आ गया, और अगर मैं सिंपली कह दूं ऑफ गोल्ड, आई बॉट अ चेन ऑफ गोल्ड, तो ये ऑफ गोल्ड क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ। तो फ्रेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग बिकॉज इट डजेंट कैरी अ वर्ब, और क्लॉज दैट कैरीज अ वर्ब। फिर आगे जब चलते हैं, आगे जब हम चाहेंगे तो आप देखोगे कि क्लॉज जो हैं उनकी फिर दो बड़ी वाज़े किस्में हमारे सामने आती, दो बहुत इंपॉर्टेंट इकसाम है क्लॉज की जो आगे में मैंने कहा नहीं सारी चीज़ें डिटेल से विद एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा आपको समझ, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। नंबर एक क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं, और मेन एक्शन भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये भी क्लॉज है, यानी क्लॉज वो है जिसमें वर्ब होगा, कभी कभी उसमें सब्जेक्ट वर्ब भी होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज जुमले के उस हिस्से को कहा जाता है जो मुकम्मल मायने दे, जिसको किसी और हिस्से की ज़रूरत ना हो, यानी अगर उसके आगे जो हिस्सा है उसको काट दें तो वो अकेला एक जुमला बन जाए, लेकिन वो जुमला नहीं होता, जुमला नहीं होता, जुमले का हिस्सा होता है। मसलन आई बॉट अ पेन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहेंगे। लेकिन मैं कह दूं आई बॉट अ पेन विच वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ था। अब विच वॉज मेड ऑफ वुड, अब ये दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा हो गया आई बॉट अ पेन, एक हिस्सा विच वॉज मेड ऑफ वुड, दूसरा हिस्सा। अब पहला हिस्सा में भी वर्ब है, दूसरे में भी वर्ब है, लेकिन पहला हिस्सा मुकम्मल मायने दे रहा है, अगर इसको अलग कर दें, उसको हटा दो, दूसरे वाले को हटा दो, अकेले को बोलो आई बॉट अ पेन, कंप्लीट, अब ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गया। चूंकि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए इसलिए इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसी को कहते हैं मेन क्लॉज है, इसी को कहते हैं मेन एक्शन है। और दूसरा जो था विच इज मेड ऑफ वुड, ये अकेला बोले विच इज, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ विच इज मेड ऑफ वुड, कोई समझ नहीं आ रही, समझ आ रही है कुछ है जो वुड का बना हुआ है, क्या है पता नहीं, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग क्लॉज भी कहते हैं, इसको हेल्पिंग एक्शन भी कहते हैं। अगले लेक्चर्स में इनको विद एग्जाम्पल्स डिटेल से मैं आपको बताऊँगा, आज सिर्फ इनका तारुफ करवाया। तो क्लॉजेस इस तरह हमारे सामने आएंगे। तो जब हमें इन चीज़ों का इल्म हो गया, वोकैबुलरी की समझ आएगी, वोकैबुलरी को हमने सीखना है, स्ट्रक्चर को हमने सीखना है, इन क्लॉजेस और फ्रेजेस को हमने सीखना है, तब जाके हमें समझ आएगी कि एक जुमला कैसे बनता है। तो अब हम देखते हैं कि जुमला क्या है। अगली चीज़ आती है कि व्हाट इज अ सेंटेंस, फिर जुमला क्या है। तो आसान तरीन इसकी बच्चों डेफिनेशन क्या है,
आसान तरीन डेफिनेशन ये है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड हो, ग्रुप हो वर्ड्स का, अरेंज्ड इन सच, अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरेंज्ड इन सच अ वे, ये अरेंजमेंट क्या है, स्ट्रक्चर, तो एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट देंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रुप देंगे, दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तीसरी शर्त क्या, सो तीन शर्तें होगी, तीन शरायत होगी, नंबर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नंबर दो अरेंज्ड इन सच अ वे, नंबर थ्री गिव्स कंप्लीट मीनिंग। ये तीन शरायत होगी, अगर इनमें से एक कम हो जाए फिक्रा नहीं होगा। मसलन मिसाल के तौर पे, आई गो टू माई टू यू, आई गो टू माई टू यू, अब आपने ये सुना भैया ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये चाइनीज जबान है, ये इंग्लिश है, क्या गलती है इसमें बच्चों, इसमें गलती ये है कि इसमें ग्रुप ही, सिलेक्शन, ग्रुप क्या है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत है, लफ्ज गलत चुने हैं, इन लफ्जों से फिक्रा नहीं बनना, इसका मतलब है लफ्ज गलत सुने चुने हैं। अच्छा जी, तो पहली चीज गलत हो गई, अरेंजमेंट, अच्छा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप को ठीक करते हैं जी। आई गो स्कूल टू, ग्रुप ठीक है गलत है, ग्रुप बिल्कुल ठीक है, गलत क्या है, अरेंजमेंट, तो इसका मतलब अरेंजमेंट गलत हो गई, तो आई गो स्कूल टू गलत अरेंजमेंट, फिर फिक्रा गलत। तीसरा आई गो टू स्कूल, ग्रुप भी ठीक अरेंजमेंट भी ठीक, कंप्लीट मीनिंग, तीसरा खुद बहुत आ जाएगा, पहली दो चीज़ें होंगी शर्तें होंगी, तीसरी शर्त जो है वो खुद बखुद आ जाती। सो बच्चों जुमले के, इन जुमलों को जब हमने बनाना है हमें ग्रुप भी सही ढूंढना है, वोकैबुलरी जिसकी मैंने प्रैक्टिस करानी है आपको, हर पार्ट ऑफ स्पीच की अलग अलग प्रैक्टिस होगी, एक दिन हम नाउन, एक लेक्चर में नाउन आएगा, एक लेक्चर में प्रोनाउन आएगा, हाँ अगर कोई छोटा एलिमेंट होगा दो भी आ सकते हैं, लेकिन डिटेल से डिस्कस होंगे, इसलिए मैंने कहा कोई लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जुमला, मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जुमला इसको कहा जाता है, इसमें जनरल इसके पार्ट्स कितने होते हैं, अब ये प्योरली इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी से आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी जो मैंने स्टार्ट में कहा कि इंग्लिश में अगर आपको कोई पूछे कि एक जुमले के कितने पार्ट्स होते हैं जनरली, तो आप कहेंगे दो पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आप किसी गूगल में देख लें, डिक्शनरी देख लें, विकिपीडिया देख लें कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो वो आपको कहेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब ये अंग्रेजों का असूल है, अब हम सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, काम करने वाला, फाइल, इस डेफिनेशन को इस लफ्ज सब्जेक्ट के साथ हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सब्जेक्ट से मुराद फाइल नहीं है, यहां सब्जेक्ट से मुराद क्या है, जिसकी बात हो रही है, जिस शख्स की बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। तो वो कहते हैं आम तौर पे जो फिक्रा होता है उसके दो हिस्से होते हैं, छोटा फिक्रा आम दो हिस्से होंगे, कम अज कम दो हिस्से होंगे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, जिसकी बात हो रही है। अब हम कह रहे हैं बात, मिसाल के तौर पे असलम इज ए टीचर, किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे जी असलम की, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, असलम, उसकी क्या बात हो रही है, इज ए टीचर, ये हो गया प्रेडिकेट। सो प्रेडिकेट क्या होता है, जो बात हो रही हो। अब बात हो रही हो ये नहीं कहा कि वो काम कर रहा हो, बात हो रही है ना, कोई भी बात हो सकती, वो काम कर भी सकता नहीं, इसलिए जो हमारी ट्रेडिशनल उर्दू लैंग्वेज में फाइल और मफूल का कॉन्सेप्ट है वो इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे अप्लाई नहीं होता। सब्जेक्ट वो है जिसकी बात हो रही है, मैं मिसाल के तौर पे मैंने अभी कहा असलम इज़ ए टीचर, अब मैं कहता हूँ असलम टीचेस अस इंग्लिश, असलम हमें इंग्लिश पढ़ाता है, तो बात फिर किसकी हो रही है, असलम की, क्या बात हो रही है, हमें इंग्लिश पढ़ाता है, अमल एक्शन, तो यहां वो सब्जेक्ट क्या हुआ, काम करने वाला,
पहले फिक्रे में तो काम नहीं कर रहा, उसमें तो पहचान तय जा रही है उसकी, लेकिन बात तो असलम की हुई है। दूसरे फिक्रे में काम बताया जाए, काम कर रहा है, क्या काम करता है, हमें पढ़ाता है। एक और फिक्रा सुन ले, असलम इज पनिश्ड बाय हिज टीचर। अब फिर किसकी बात हो रही है, आप कहेंगे जी असलम की। अब असलम क्या कर रहे हैं, असलम तो कुछ नहीं कर रहा, असलम को तो सजा दी जा रही है। साबित क्या हुआ, ये तो मफूल हो गया। हम क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में मफूल बोलेंगे, नो सब्जेक्ट। सो याद रखो, इंग्लिश में जब टेंस की जबान में उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, इंग्लिश जनरली जब कहा जाता है देयर टू पार्ट्स, इसका मतलब है जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। तो याद रखें, जिस तरह सिंपल के फिक्रे होते हैं उसमें बात सब्जेक्ट की हो रही होती है, एक्टिव के फिक्रे में बात सब्जेक्ट की हो रही होती है, पैसिव में फिक्रे में बात ऑब्जेक्ट की हो रही होती है। लेकिन जिसकी भी बात हो रही है इंग्लिश में, दैट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है मौजू। पे किसकी बात कर रहे हैं आप, कोई आके मुझे कहता है तारिक को सजा मिल रही है, मैं किसकी बात हो रही है यार, यही तारिक की बात हो रही है, दैट इज दैट मीन्स सब्जेक्ट। सो जब व्हेन वी से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये इसके दो पार्ट्स हैं। कि नेवर कन्फ्यूज दीज वर्ड्स, कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है जो जनरल पार्ट्स हैं, ये शायद सब्जेक्ट से मुराद फाइल है, नो, इट कैन बी अ सब्जेक्ट, इट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, बट जिसकी बात हो रही है फॉर अस ही इज द सब्जेक्ट। मैंने तीन मिसालें भी आपके सामने दे दी हैं, एक में तो काम ही कोई नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ ए सेंटेंस। ये देखो सेंटेंसेस की टाइप्स कितनी होती है, स्ट्रक्चरल टाइप, फॉर्मेटिव टाइप और मेन टाइप। ये तीनों टाइप्स का आपको पता होना चाहिए, आगे आगे चलते जाएंगे ना ये चीज़ें सीखते जाएंगे। स्ट्रक्चरल टाइप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ अ सेंटेंस क्या है, कि एक सेंटेंस जो है वो चार किस्म का हो सकता है स्ट्रक्चर वाइज। सबसे नंबर वन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर सिंपली एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, सिंपल सेंटेंस। तारिक इज ए टीचर, सिंपल सेंटेंस, यानी स्ट्रक्चर वाइज। तारिक प्लेज क्रिकेट, सिंपल सेंटेंस। तारिक इज पनिश्ड, सिंपल सेंटेंस, स्ट्रक्चर वाइज। टेंस की बात नहीं हो रही बच्चों, स्ट्रक्चर की बात हो रही, कि स्ट्रक्चर वाइज सिंपल सेंटेंस। फिर कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर कम से कम दो हिस्से हों और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, दो हों और दो इंडिपेंडेंट। और याद रखो, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हों, या आगे फिर मैंने कहा डिटेल से आपको बताऊंगा, मिसाल सिंपली वैसे दे देता हूं, यानी मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट एंड ही प्लेज हॉकी, तो आई प्ले क्रिकेट कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज, ही प्लेज हॉकी, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हों तो उनके अंदर एक कंजंक्शन यानी जोड़ने वाला लाजमी आता है। इसका क्या रोल होता है ये अगले, फिर मैंने कहा आगे एक लेक्चर, ये चूंकि तारुफ है अभी, सिर्फ ये सिर्फ नाम याद रखेंगे आप, ठीक। उसके बाद आ गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको बोलते हैं जिसमें फिर कम अज कम दो पार्ट हों, एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो। अभी पीछे मैंने मिसाल दी थी, आई बॉट अ पेन विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड वुड। आई बॉट अ पेन, एक हिस्सा कंप्लीट इंडिपेंडेंट, विच वॉज मेड ऑफ वुड, दूसरा हिस्सा डिपेंडेंट, दोनों मिले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको कहते हैं, आगे मैं इसकी डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको फिर कोई। और आखिरी किस्म है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कुछ बुक्स में इसमें कॉम्प्लेक्स पहले आता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, लेकिन नहीं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आए, दो मुकम्मल हिस्से आए और एक डिपेंडेंट क्लॉज। कैसे आए फिर अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, ये फिर मैंने कहा ये डिटेल वाली चीज़ें वो अगले लेक्चर्स में आपको जाके बताई जाएंगी, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों फॉर्मेटिव टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, ठीक। स्ट्रक्चरल टाइप और चीज़ है, फॉर्मेटिव टाइप का मतलब है फॉर्मेशन जब बनाते हैं, और ख़ास तौर पे जब हम इसको टेंसेज में इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मेशन से ही बनेगा फार्मूला। क्या बनेगा, फार्मूला। ये फार्मूले आपने फिंगर टिप्स पे रखने हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, आ जाएंगे, और आपने उनको याद करना है, लिख लिख के याद करना है, और आप देखिएगा कि लैंग्वेज वुड बिकम सो इजी फॉर यू,
या आप हैरान हो जाएंगे कि इंग्लिश इतनी आसान तरीके से भी सीखी जा सकती। ठीक, फॉर्मेटिव टाइप्स क्या हैं, जो टेंसेज में मैंने कहा यूज़ होते हैं, वो तीन हैं। फिर कि दुनिया का कोई भी इंग्लिश का फिक्रा लिखा जाए, कोई भी लिखा जाए, जिस तरह हमने कहा दुनिया का कोई फिक्रा लिखा जाए उसमें 8-9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आने हैं, कोई फिक्रा लिखा जाए उसमें 8 एलिमेंट्स आने हैं। ठीक है, कोई फिक्रा हो उसमें जो है वो 3 फॉर्मेटिव किस्म के पार्ट्स आने हैं या 3 फॉर्मेटिव किस्म के सेंटेंसेस आने हैं, सिंपल सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। साबित हुआ दुनिया का कोई फिक्रा, करोड़ हा अरब हा फिक्रे जो दुनिया में लिखे गए हैं, वो या सिंपल हैं या एक्टिव हैं या पैसिव हैं। अब सिंपल हम किसको बोलते हैं, अब ये टेंस की ज़बान में आ गए कि सिंपल फिक्रा वो होता है जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता। इसका मतलब है इसमें देयर इज नो वर्ब ऑफ एक्शन। एक बात हाँ जो मैं भूल गया, बड़ी ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, 9 एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताए, दुनिया का कोई फिक्रा, सॉरी 8 एलिमेंट स्ट्रक्चर के, दुनिया का कोई फिक्रा कम अज़ कम 2 एलिमेंट्स मांगता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है या ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। ये अगले लेक्चर्स में फिर डिटेल से आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट एक्टिव फिक्रा हो तो सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, ठीक है, और पैसिव फिक्रा हो तो ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। इसका मतलब 8 में से 2 एलिमेंट तो होना ज़रूरी है, 2 एलिमेंट, और दोनों में कॉमन क्या आया, वर्ब। साबित हुआ कि नो सेंटेंस इन इंग्लिश कैन बी मेड विदाउट अ वर्ब। दुनिया की हर चीज़ के बगैर फिक्रा बन सकता है, वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। अगले लेक्चर्स में डिटेल से ये बातें आपको बताऊंगा, विद एग्जांपल्स आप हैरान होंगे, प्रूफ करके बताऊंगा जो बातें कर रहा हूँ। अभी आज सिर्फ तारुफ करवा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ बार बार कि तारुफ करवा रहा हूँ, डिटेल बाद में आपको बताऊँगा। सो सिंपल सेंटेंस में वो होता है जिसमें काम कोई नहीं होता, तो फिर क्या होता है उसमें, या किसी की आइडेंटिटी होती है यानी पहचान, या किसी की पोजेशन यानी मिल्कियत, या किसी की हालत कैफियत। मसलन मिसाल तौर पे, आई एम ए टीचर। अब ये इसमें कोई काम नहीं हो रहा, ये सिंपल का फिक्र है, लेकिन इसमें मेरी आइडेंटिटी बताई जा रही है, ठीक है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है, इसमें मेरी पोजेशन बताई जा रही है। आई एम नॉट वेल टुडे, यहाँ मेरी हालत बताई जा रही है, या आई एम हैप्पी टुडे, यहाँ भी मेरी हालत बताई जा रही है। सो सिंपल फिक्रे वो होते हैं टेंस की ज़बान में जिनमें कोई, या आम इंग्लिश की ज़बान में भी, जिनमें कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ किसी की आइडेंटिटी, पोजेशन या स्टेट बताई जाती, ठीक, उनको हम कहते हैं सिंपल के फिक्रे। इसलिए इनमें कोई मेन वर्ब यानी वर्ब, मेन वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब ऑफ एक्शन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। फिर आते हैं, अच्छा इनका फार्मूला क्या होता है, हाँ फार्मूला साथ ही सीखें। इनका फार्मूला ये होता है कि इनके पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट कौन होगा, जिसकी बात हो रही है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगा। अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि एक होता है लिंकिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, इनमें फ़र्क क्या होता है ये अगले लेक्चर में आपको बताऊँगा, लेकिन लिंकिंग वर्ब इनमें इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट वो है जिसकी बात हो रही है और ऑब्जेक्ट वो है जो बात हो रही है, और उसके बाद एक्सटेंशन आएगी, उसी तरह PMRT, वो याद रखना, वो दब आपको रट लेना ना आपने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट PMRT, प्लेस मैनर रीजन टाइम। इसकी तरतीब, ये तरतीब है बेसिकली, इसका मैंने फार्मूला बनाया हुआ है, और ये फार्मूला मैंने 90s में बनाया था, आगे जनरेशन दर जनरेशन इसको पढ़ा रही हैं, वेरी गुड, लेकिन किसी किताब में नहीं आपको नज़र आएगा, किसी अंग्रेज की किताब से नज़र नहीं आएगा, किसी पाकिस्तानी किताब में नज़र नहीं आएगा। इसी मैंने आपको मिसाल दी थी ना आगे, कि मैंने स्टूडेंट को लेक्चर देते हुए सुना, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो चाहे वो YouTube पे दे रहा है, कहीं भी दे रहा है, लेक्चर दे रहा है, इल्म दे रहा है, ठीक। एक्टिव फिक्रा किसको हम बोलते हैं, दूसरा है एक्टिव टाइप, एक्टिव सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर बात सब्जेक्ट की हो रही हो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट,
और वो कुछ कर भी रहा है या करता है, ये टेंस कोई भी हो, टेंस की बात नहीं हो रही है, वो कुछ कर रहा हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक्टिव सेंटेंस है। मसलन आई टीच माई स्टूडेंट्स, आई सब्जेक्ट टीच वर्ब, इसमें मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। तो इसका फार्मूला फिर क्या बना, इसका फार्मूला बना सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब वो वर्ब अकेला आए या साथ अपने एक हेल्पिंग वर्ब को लाए वो उसकी मर्जी है, वो टेंस के बताएगा, वो टेंस में हम पढ़ेंगे जाके, लेकिन वर्ब होना ज़रूरी है। नो सेंटेंस विदाउट वर्ब, देर कैन बी अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, देर कैन बी अ सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, बट देर कैन नेवर बी अ सेंटेंस विदाउट वर्ब। वर्ब हैज़ टू कम इन वन और द अदर फॉर्म, किसी ना किसी शक्ल में आना है, तो वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है, यहाँ काम की चूँकि बात हो रही है तो इसमें ऑब्जेक्ट यानी मफूल, और उसके बाद फिर एक्सटेंशन पी एम आर टी। उनकी जगह वही है, उनका मुकाम वही है, कैसे इस्तेमाल होने फिक्रों में बताऊँ आगे चल के। उसके बाद ये चीज़ें टेंसेज जब पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आएंगी। पैसिव फिक्रे, पैसिव फिक्रे हम किनको बोलते हैं, ऐसे फिक्रे जिनमें नुमाया बात ऑब्जेक्ट की हो रही हो, और ऑब्जेक्ट वो जिसको मफूल बोलेंगे, जो कुछ नहीं कर रहा बल्कि उस पर कुछ की एक्शन फिर हो रहा है, मेन एक्शन है, वर्ब है, लेकिन उस पर कुछ किया जा रहा है, एक्शन उस पर कुछ किया जा रहा है, उस पर कोई काम हो रहा है, हम कहेंगे कि ये पैसिव का फिक्र है। मसलन असलम इज पनिश्ड, इसमें बाय द टीचर, असलम इज पनिश्ड बाय द टीचर, तो किसने सजा दी, किसको सजा दी जा रही है, बात किसकी हो रही है, असलम की। असलम काम कर रहा है कि उस पर हो रहा है, हो रहा है, पनिश हो रहा है, सजा मिल रही है, अपने आप को खुद सजा नहीं दे रहा, अपने आप को थप्पड़ मार तो नहीं रहा, असलम इज पनिश्ड, कोई सजा दे रहा है उसको, और कौन दे रहा है, टीचर, टीचर सब्जेक्ट हुआ। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आना होता है, पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब ये हर हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक बदलेगा, वो टेंस से पढ़ाऊंगा, उसके भी फार्मूले आपको बताऊंगा इजी करने के लिए, वो उसकी तब बारी आएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमेशा V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। दुनिया का कोई पैसिव का फिक्रा हो जाए बच्चों, उसमें वर्ब की हमेशा तीसरी फॉर्म ही लगेगी, वर्ब इज नेवर गोइंग टू चेंज, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म, एक्टिव में वर्ब की फॉर्म बदलती रहेगी, पैसिव में कभी नहीं बदलेगी। पैसिव में अगर इसका मतलब अगर वर्ब नहीं बदलेगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, कैसे बदलेगा आगे पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आएगा फिर एक्सटेंशन। सो याद रखो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंशन का मतलब ही एक्सटेंशन है, फालतू इजाफी, इनका अपना रोल है, क्या रोल है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा इनका क्या। मैंने कहा ना आगे लेक्चर ये एक आपको एक शक्ल बताई जा रही है, इसलिए लंबा लेक्चर है, आगे हर लेक्चर में एक एक चीज़, एक एक चीज़ को लिया जाएगा और उसके ऊपर लेक्चर दिया जाएगा, वो जितना भी टाइम ले। अब कोई लेक्चर आधे घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का तो कोई नहीं होगा, 45 मिनट्स का भी हो सकता है, 1 आवर का भी हो सकता है, 1 आवर से कोशिश करूँगा ज़्यादा ना हो, ताकि आप हज़म भी कर सकें, उतना आप एब्जॉर्ब भी कर सकें। लेकिन बच्चों इसको एक एक चीज़ को पढ़ो, जो बच्चे मरे कॉलेज में, डिग्री कॉलेज, विमेन यूनिवर्सिटी में BS कर रहे हैं, वो इन लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुने, दे विल लर्न लैंग्वेज सो ईज़िली, दुआएं देंगे मुझे, ठीक। उसके बाद आ गया, इन तीनों के फार्मूलाज के बाद अगली बात आ जाती है मेन टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी आम अंग्रेजी में जब फिक्रे बोले जाते हैं मेन। सो देखो स्ट्रक्चरल टाइप और थी, फॉर्मेटिव टाइप और हैं फॉर्मेशन के हिसाब से, और जनरल टाइप, मेन टाइप्स क्या है या जनरल टाइप्स कह सकते, वो पाँच हैं, पाँच किस्म के, ये भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नाम इनके आपको पता होना चाहिए। नंबर वन है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इनको आप मेन टाइप्स भी कह सकते हैं या जनरल टाइप्स भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी लफ्ज़ आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर असर्टिव, यानी जिनको उर्दू में बोलते हैं बयानिया फिक्रे, जिनमें को बयान दिया जाए, ठीक है, इनकी एग्जांपल्स मैं डिटेल में दूंगा। नंबर टू है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रे, नंबर यानी जिनमें सवाल किया जाए ना, कैसे बनते हैं, शक्ल क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, आगे। नंबर थ्री इम्पेरेटिव सेंटेंसेस,
ऐसे फिक्र है जिनमें कोई ऑर्डर, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस, कोई सुजेशन दी जाए, हम कहेंगे सुजेस्ट कर रहा है, दिस इज़ इम्पेरेटिव सेट। इनका अलग फार्मूला है, इनको याद करें। कोशिश मेरी ये होनी है बच्चों की हर चीज़ को फार्मूले के मुताबिक आप एक फार्मूला बनाया जाए, ताकि आपको ऐसे लगे जैसे वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग फिजिक्स, वी आर स्टडिंग मैथमेटिक्स। आपको मैं इस तरह पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने BSc तक साइंस पढ़ी हुई है, BSc के बाद मैंने इंग्लिश किया था, तो मेरे अंदर साइंटिफिक अप्रोच है, साइंस मेरे अंदर कहीं ना कहीं है ना, मेरी जीन्स में। तो आई ट्राई टू टीच इन ए साइंटिफिक मैनर सो दैट थिंग्स लुक ईजियर टू स्टूडेंट। इसलिए मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो जाता है, बिकॉज आई ट्राई टू मेक थिंग्स ईजियर। अगर मैं ये बात तेज फटाफट बता दूँ तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। सो मकसद है आपके दिमाग तक, आपकी अक्ल के मुताबिक। अगले लेक्चर्स में आप देखिएगा ना, मैं इनमें से अब एक एक चीज़ को लूँगा और फिर उनके ऊपर अलग अलग लेक्चर दूंगा, फिर आपकी और विजन जो है ब्रॉड होगा। ठीक, चौथे नंबर पे आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, खुशी, गमी या हैरानगी वाले फिक्र, जिनमें सडन सरप्राइजिंग खुशी हो, हैरानगी हो, दुख हो, कुछ भी हो, इनको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। और लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम कहते हैं, जिनमें दुआ भी आती है, बददुआ भी आती है, इनमें ख्वाहिश भी आती है, इसमें हसरत भी आती है। ये भी डिटेल, ये आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको, ये इनकी अपने फिक्र नहीं करनी, एक एक चीज़ के ऊपर गिर रहे ना, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ना, इनका अलग पूरा लेक्चर होगा, पूरा एक घंटे का लेक्चर होगा, सिर्फ टाइप्स को हम डिस्कस करें कि टाइप्स क्या है। दैट्स वाई डोंट मिस दिस सीक्वेंस। ये लैंग्वेज, अब देखो मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि हमने शुरू करना है एक वर्ड से, ख़त्म करना है एसे पे, आर्टिकल। एमए का स्टूडेंट ने 10 सफ़े लिखने हैं, एक वर्ड से स्टार्ट करना है और 10 सफ़ों तक लेके जाना है। इस नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मेथोडिकली, टेक्निकली, विद प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल कीप ऑन लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। ठीक, उसके बाद आ जाता है कि इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपको यूजेज आना चाहिए, इन स्ट्रक्चर का यूजेज आना चाहिए। मैंने कहा था 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, हालांकि 8 है, 9वें को अपने शामिल कर लिया, 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर आगे का एलिमेंट तीनों शक्लों में आ सकते हैं, लफ्ज़ भी हो सकता है, हर एलिमेंट, यानी 8 एलिमेंट अगर लफ्ज़ों में, कितना लंबा फिक्रा हो जाएगा। ठीक है, मसलन लंबे से लंबे फिक्रे मैं आपके सामने प्रैक्टिस जब करूँगा, मैं इतने लंबे आपको फिक्रे बना के दूंगा, आप हैरान होंगे ये कैसे बन गए, लेकिन हैरान नहीं होंगे क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कैसे बन रहा होगा, वो आपके सामने स्क्रीन पे बन रहा होगा। ठीक, देन यू शुड नो द यूजेज ऑफ टेंसेज। फिर अगली बात आएगी कि फिर उनको टेंसेज में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। टेंसेज में मैंने पहले कहा या सिंपल फिक्रे होंगे, या एक्टिव होंगे, या पैसिव होंगे, टेंसेज में उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर वही होगा, जो फार्मूले आपको बता दिए हैं वही होंगे, लेकिन उनका इस्तेमाल बदलता जाएगा। टेंस इज जस्ट वन थिंग, पहले भी कहा फिर कह रहा हूँ, हज़ार दफ़ा कहूँगा, जस्ट यूज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ इंग्लिश एंड दैट इज वर्ब। बाकी इंग्लिश है, इंग्लिश में टेंस का इस्तेमाल सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल है। और हम बेचारे हमारे बच्चों को, किसी को इंग्लिश ना आती, कहते टेंस सीखो, टेंस सीखो, और बेचारे टेंस का लफ्ज़ सुन सुन के टेंस हो जाते हैं बच्चे, कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं यार टेंस आते हैं। और मैं मजाक से कहता होता था बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अक्सर कहता हूँ आप तो इतना टेंस पढ़ते हैं कि बच्चा रात को सोया होना तो उसको जगा के भी पूछे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है तो वो बता सकता है। यू नो टेंसेज बट स्टिल यू डोंट नो लैंग्वेज, क्योंकि हम आपको गलत पढ़ाते हैं। हम आपको ये नहीं बताते कि बेटा टेंस में सिर्फ एक वर्ब का इस्तेमाल आप सीख रहे हो, बाकी 8 एलिमेंट्स का क्या बनना है, तो लर्न अबाउट देम एज वेल। वो बेसिक है, हमारी बेसिक लैंग्वेज बुनियाद है, ये तो इस्तेमाल है। सोचे ना किसी चीज़ की बुनियाद ठीक ना हो तो इस्तेमाल कैसे ठीक हो, तो बुनियाद का ठीक होना सबसे ज़रूरी है। इस्तेमाल खुद बहुत, एक घर की बुनियाद अगर ठीक ना हो तो घर जितना मर्जी बड़ा बना लेंगे तो गिर जाएगा। लैंग्वेज का भी यही सब, मैंने आपकी बुनियाद ठीक करनी है इंशाल्लाह। ठीक, देन आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट एंड वन इन टू एल। ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स है मेरे, ये मैं सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूँ कि सारी बात का एक क्रक्स निकाल रहा हूँ कि एल वन, ये सारी बातें मैंने कर ली है ना आपसे, एल वन को एल टू में कैसे कन्वर्ट करें। एल वन तो हर वक्त खचा खच भरी हुई, अभी मैं आपको बोलूं कोई भी बात है इसके ऊपर कुछ बोलो आप बोल सकते हैं, जो बोल सकते हो वो लिखो, तो वो कन्वर्जन की प्रैक्टिस
changing L1 into L2. L1 is Urdu, L2 is English. How to convert it? उसके लिए rules आने चाहिए, formulae आने चाहिए, ठीक है? So, जब हमें ये चीज़ें आती हैं, फिर अगले step, जब हम ये BA कर लेंगे, अब इस पे 15 लेक्चर लगे, मुझे तो खुद नहीं पता भी कितने लेक्चर हैं, सीरीज है पूरी, 20 लेक्चर हों, 25 लेक्चर हों, जितने भी हों, when it will be finished, then I'll end. मैं इसमें कोई जल्दी, और हर वीक आपको एक वीडियो आएगी. सो अब ये आपका और मेरा एक रिश्ता है, और आपका एक टॉलरेंस होनी चाहिए कि यू हैव टू बी इन्जॉय करना है इसको, एक एक लफ्ज़ को समझना है, और आप देखोगे यू विल इन्जॉय. और फिर मैंने कहा जो मैं एक्सरसाइजेज दूंगा उनकी प्रैक्टिस करो, पूरा वीक में आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए. अब नेचुरली मैं तो आपके पास नहीं हूँ कि मैं आपको सामने आपकी एक्सरसाइज सुनूँ, लेकिन आप अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आपने इस पर किया था, इसमें ये प्रॉब्लम, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी, ठीक है? सो उसके बाद फिर हम अगले स्टेप बढ़ेंगे कि जब हमें जुमला बनाना आ गया, अब एक जुमला अगर बनाना आ गया तो 2, 3, 4, 5, 6 कन्वर्ट इट इंटू अ पैराग्राफ. हाउ टू कन्वर्ट वन सेंटेंस इंटू अ पैराग्राफ, ये सीखेंगे. फिर जब ये सीख लेंगे नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि फार्मूले तो वही होंगे, बेसिक चीज़ें तो वही होंगी, फिर हम देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट वन पैराग्राफ इंटू एन आर्टिकल, फिर हम वो सीखेंगे. और जब हम आर्टिकल को सीख लेंगे, यानी ऐसे आर्टिकल, इसका मतलब ये होगा नाउ वी हैव एक्वायर्ड लैंग्वेज, बट स्टिल दैट वुड बी इनकम्प्लीट, क्योंकि उसमें मैंने स्पोकन पार्ट को शामिल नहीं किया. क्योंकि मेरा बिलीफ है, क्या बिलीफ है, कि अगर एक बच्चा लिख जो सकता है वो बोल क्यों नहीं सकता? पर जो आप लिख सकते हो, इफ यू आर सेइंग आई एम ए टीचर, व्हाई कांट, इफ यू आर राइटिंग आई एम ए टीचर, व्हाई कांट यू से आई एम ए टीचर? अगर एक बच्चा लिख के बताता है आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद माई फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है, ये लिख दिया ना बोलो, तो यही बोल देगा. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. उसके लिए हाँ दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कुछ टेक्निक्स, वो अलग कोर्स है स्पोकन इंग्लिश का, ये स्पोकन इंग्लिश नहीं है, राइटिंग इंग्लिश, हाउ टू राइट. क्योंकि पेपर में मैट्रिक हो, इंटर हो, बीए हो, बीएस हो, बीएस ऑनर्स हो, एमए हो, लिख के आना है पेपर में, बोल के नहीं आना. आपको एक लफ्ज़ ना बोलना आता हो लेकिन आप बेहतरीन लिख सकते हो तो एग्जामिनर तो आपको बड़े बेहतरीन नंबर देने. सो इसका मतलब है ये चीज़ें हमारी फोकस्ड होंगी राइटिंग स्किल के ऊपर. जो स्पीकिंग स्किल है उसमें इसके अलावा जो चीज़ें, इसके अलावा वो होती हैं कुछ साउंड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, सेंटेंस के पहचान होनी चाहिए, कौन सी जगहों पे फॉर्मल कौन से होते हैं, इनफॉर्मल वो अलग चीज़ है, दैट इज़ अ डिफरेंट, उसके ऊपर अलग हम जो है वो एक सेशन करेंगे. ये कोर्स, ये जो सीरीज़ है, ये है हाउ टू लर्न इंग्लिश इन रिटन फॉर्म, हाउ टू लर्न इंग्लिश इन रिटन फॉर्म, ठीक है? सो बच्चों ये था मेरा आज का लेक्चर, यकीनन आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा. अगर इसको इन्जॉय किया है तो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, जो मैं रोज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, इसमें कोई डंडी मार रहे हैं आप लोग आगे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ग्रुप्स के साथ. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनको कहें सब्सक्राइब करें, बिकॉज दिस इज़ द नॉलेज दैट यू नीड, एंड व्हेन यू विल गेट दिस नॉलेज, आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे आफ्टर फ्यू लेक्चर्स आपको ऐसे लगेगा दैट एज इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन द क्लासरूम एंड देन आई एम टीचिंग. सो आपको खुद बहुत इन चीज़ों की समझ आ गई, ठीक है? खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी के सीक्वेंस में आपसे दोबारा मुलाकात होगी.